इसको यहाँ रखा, ठीक है, जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे हाँ। उस पत्थर को दबाते जाएंगे। तुड़ाई मारते आते थे क्या किसी को? नहीं बोलूंगी भैया, नहीं नहीं मुंडी नीचे गिर गई मेरी तो। पूरी डस्ट आपके फेस पे, आपके कपड़ों पे, आपके बालों में जाती है। गुड मॉर्निंग पीपल, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज सेतु एंड यू गाइस आर वाचिंग द गायनराज। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द लास्ट वीक, क्योंकि मेरा कोई वीडियो नहीं आया एज आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। तो मेरे को 2 वीक्स तक ऐसा हाउस अरेस्ट रहना पड़ा, तो आई कुडंट शूट, बट नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक। तो आज हम कौन सी जॉब करने वाले हैं? You guys wanna see? Let's go. 1, 2, 3. तो मैं बनने वाला हूं आज एक पेंटर। राजेश भैया हमें आप बताएंगे कि हमें क्या क्या काम करना रहेगा, कैसे करना रहेगा। तो सबसे पहले भैया ये काम आपका कब से हो रहा है? मुझे तो करीब 10 साल हो गए काम करते। 10 साल से आप इस इंडस्ट्री में? 10 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे को कौन कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें करने के लिए? सबसे पहले तो अपन शुरुआत जब काम करते हैं जी, तो पुट्टी भरना चालू करते हैं, ठीक है। फिर अभी आगे बताएंगे अपन कैसे भरना है, ठीक है। फिर उसकी घिसाई करते हैं सूखने के बाद, फिर अपन उसकी घिसाई करने के बाद कलर करते हैं, उसकी टचिंग करते हैं, फिर कलर करते हैं, ऐसे करके फाइनल तमाम प्रोसेस है इसकी। अच्छा, पोस्ट काम क्या करने वाले हम? आप पुट्टी भरो सबसे पहले। सबसे पहले अपन पुट्टी भरने का काम करते हैं। इसको सबसे पहले अपन लाइन लाइन जो चलाता है उसको अपन पुट्टी लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को इस एरिया में करना है तो ऐसे करके ऐसे खींच लेना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये जो माल अपन ने लिया सबसे पहले जी, तो माल अपन ने यहाँ रखा पुट्टी का हाँ, इसको यहाँ रखा, ठीक है। जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे हाँ, उस पत्थर को दबाते जाएंगे, उसको दबाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे फिर इसको ऐसे करके फिनिश कर देंगे। बहुत ईजी है, पर मेहनत कितनी ना भैया, ऊपर से नीचे तक मेहनत कितनी है उसमें। वो चला गया, वो जो दरार दरार से दिखा था वो पूरा खत्म हो गया यहाँ पे। कुछ रहेगा तो अपन जब घिसाई होती है तब हो जाएगा। अच्छा, घिसाई में एडजस्ट हो जाता है। लो अब आप भरो। हाँ जी लाइए। तो ये इधर से ऐसे ही पकड़ना है ना इसको? ऐसे पकड़ना है। ये नीचे से भरू? यार मजे ले रहे हो आप मेरे, बीच का मिस हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये इसमें जो लाइनें बन रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, घिसाई में आ जाओ। अपन जब घिसाई अच्छा करते हैं ऊपर करके घिसाई करते हैं। ये दबाया और फिर इसको बस, ये बहुत प्यारा ये। अरे भैया बहुत मजे में बोल रहा हूं आप, प्लीज तो करना ही पड़ता है ना। अच्छा, 2-3 बार करना पड़ता है, 2-3 बार तो सबको करना पड़ता है। जितना भी काम बिगड़ेगा हमारा आदमी 2 मिनट में सही कर लेगा उसको। मतलब ये बात तो पक्की है कि काम बिगड़ेगा आज। नहीं नहीं। चार्ली भैया जब आपने पहली बार किया था जी, तो आपको कितना टाइम लगा था इसको सीखने में? मुझे कम से कम 10-12 दिन। यार झूठ बोल रहा हूँ। नहीं पक्की बात है, झूठ बोल रहा हूँ। नहीं बोलते हैं ना जी। आपने जो पुट्टी भरी है वो ऐसी आई है, अब इसको घिसके आप लोग को स्मूथ करना है, स्मूथ करना है, कलर करने की कंडीशन में करना, ठीक है। तो ये घिसाई करके बताओगे आप? अच्छा, नॉर्मल जैसे अपन वो घिसते रहते हैं वैसे घिसते जाना है। अब मेरे को समझ आया भैया ने क्यों ऐसा पूरा मास्क वो पन्नी अन्नी लगा रखा है, क्योंकि ऐसे पूरा उड़ेगा ये। जो अब जो दूसरा काम अपने को अलॉट हुआ है वो है घिसाई का। तो इसमें भी कुछ ऐसा भैया कुछ वो है कि ऐसा करना है? अरे इसमें मज़ा तो आ रहा है, पर वही है कि हाथों की मेहनत बहुत है। ये टैलेंट है भैया आपके पास, थ्री इडियट्स के गुरु जी यही है। पेंट के अलावा पहले क्या करते थे आप? पहले कुड़ाई। कुड़ाई? कुड़ाई, कुड़ाई। उसमें क्या होता है? है उसमें क्या होता है कुड़ाई में? कुड़ाई तुड़ाई मारते आते थे क्या किसी को? नहीं। अच्छा पढ़ाई। मैं सुन रहा हूँ तुड़ाई करते थे, मैं कहा भैया मारते आरते थे क्या यार किसी को पहले? चलो मारने का काम करता था, मैं मारता था लोगों को। ऐसा मत बोलो, किसी के सामने बोल देंगे तो।
आप लोग कब से कर रहे हो भैया? मेरे को हो गई कम से कम 12 साल। अरे बाप रे, आप तो राजेश भैया से भी ज्यादा निकल गए आगे, उनसे भी पहले से कर रहे हो आप ये 12 साल से। मतलब आप लोगों ने, आपने तो कितने लोगों के घर बना दिए होंगे? कई कई बना दिए होंगे भाई। सही है। सेफ्टी बेल्ट बांधा और एक को पकड़ा दिया और अपन लटक गए। अपन लटक, क्या बात। तो वो लटक भी जाते भैया, आप एक्सपीरियंस हो गए ना। अभी आप मेरे को बोलते यहाँ इधर उल्टा ऐसे ऐसे कर देना लेट के, मैं बोलूँगी भैया नहीं नहीं मुंडी नीचे गिर गई मेरी। तो अपन तो लटक जाते। तो अभी पुट्टी कर ली, फिर घिसाई कर ली, और इसके बाद फाइनल काम होता है पेंट का। तो अब सारी चीज़ें होने के बाद अब अपन सीखेंगे कि पेंट कैसे करना है। तो राजेश भैया, हाँ, पेंट का बताइए कैसे करना है। भैया का आपका नाम क्या है? अरे ठीक है, भैया को बहुत टेंशन है कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्या चीज़ों का ध्यान मेरे को सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा? ये जो रोलर से करते हैं तो कलर धुलेगा, मतलब परवेश्ते नीचे ऐसे टपके, उसका ध्यान रखना है। दूसरा हमको सबसे और जो महत्वपूर्ण ध्यान है जी, वो हमको ये रखना है कि जब भी हम काम कर रहे हैं जी भैया, इसमें कलर का, हाँ, और हम देख रहे हैं कहीं पे भी कि बारी बारी छिपे और दीवारों चिपक रहे हैं, तो चिपक जाते हैं, वो फिर समस्या का रूप ले लेता है। दीवार को समय लगता है, फिर से उनको भी घिसाई करके करना पड़ता है। छिपे सूखे ना, उनको तुरंत मार देंगे तो अच्छा, तो वो दब जाएंगे। दब जाएंगे। अच्छा भैया, इसको कितनी बार ऊपर नीचे करना है एक जगह पे? जब तक पूरा प्लेन ना हो जाए। जब तक पूरा प्लेन ना हो जाए, और डबल कर सकते हैं ना, मतलब एक जगह पे। पर ये जरूर है कि रोलर से करने में मजा तो आ रहा है और छींटे भी। बहुत बढ़िया, पहले दिन के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया आपने। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत बढ़िया। देखिए सर, क्या है कि आप जितने अच्छे इंसान हैं कारीगर भी उतने अच्छे हैं, आप सभी काम कर सकते हैं लगभग दो चार दिन की प्रैक्टिस के बाद। तो सबसे पहला काम मतलब एक घिसाई। घिसाई गई। आप जो चाहोगे वो मिल जाएगी, बस कोशिश करें। मेरे हिसाब से आपको सबसे सही कलर का काम लगेगा। हम तो जोन करते हैं घिसाई पर। घिसाई पर रखोगे? हाँ। आप और मैं दोनों मिलकर घिसाई लगे हैं। One shift later. अब मैं घर जा रहा हूँ और मेरे को एक्चुअल में काम करने में बहुत मजा आया, स्पेशली पेंट करने में, क्योंकि रोलर चलाने में जो मजा था वो और किसी चीज में नहीं था। हाँ, छींटे उड़ रहे थे कि ऐसे कपड़ों पे भी आ रहे हैं, हाथ पे भी आ रहा है, पेंट उछल रहा है, बट इट वॉज वेरी नाइस वर्किंग देयर। और स्पेशली वहाँ पे जो राजेश भैया थे वो बहुत हेल्पिंग थे यार, मतलब क्या नेचर था उनका, मजा आ गया मेरे को काम करके। सबसे डिफिकल्ट एक्चुअली में वो घिसाई का काम है, क्योंकि पूरी डस्ट आपके फेस पे, आपके कपड़ों पे, आपके बालों में जाती है, आपके नोज में जाती है, तो आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा। और एक चीज़ जो मैं, मतलब मेरे मन में आई, हम इनको पेंटर क्यों बोलते हैं, हम इनको आर्टिस्ट क्यों नहीं बोलते? जो एक नॉर्मल अच्छा स्केच बनाते हैं, वी कॉल देम आर्टिस्ट। ये लोग भी तो पेंट करके हमारे पूरे घर को सजाते हैं, सो व्हाई वी कांट कॉल देम आर्टिस्ट? वो भी तो एक आर्टिस्ट है, वो पूरा पेंट कर रहे हैं हमारे घर को, जो फाइनल लुक मिलता है, जो फाइनल अच्छा वाला लुक मिलता है, जिसके बाद हम उस घर में रहने जाते हैं और हम रहते हैं और हमें पसंद आता है, तो हम इनको आर्टिस्ट क्यों नहीं बोल सकते? सो लेट्स कॉल देम एन आर्टिस्ट। आई होप यू गाइज एंजॉयड माई दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कॉमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी मी डूइंग मोर अमेजिंग जॉब्स। वेरी सून आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।